हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू आर ऑल डूइंग सेफ एंड साउंड। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिक शेप, कर्व लाइंस एंड पर्सपेक्टिव पॉइंट्स क्या होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स रोल द इंट्रो। सो टू नो मोर अबाउट बेसिक शेप्स, आप अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, विच आर बेस्ड ऑन बेसिक शेप्स लाइक क्यूब, सिलेंडर, कोन्स एंड स्पीयर्स। ज़रूरी बात यह है कि यू शुड नो हाउ टू ब्रेक डाउन द शेप्स इन टू फॉर्म्स एंड देन सी इट इन थ्री डायमेंशनल वे। सो आपको एक क्लियर पर्स्पेक्टिव का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। सो मूविंग ऑन टू हाउ टू ड्रॉ बेसिक शेप्स, फर्स्ट इज क्यूब, सेकेंड इज सिलेंडर। मैं इमेजिनरी लाइंस भी ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि डायमेंशंस क्लियर हो जाए। थर्ड इज कोन, फोर्थ इज स्पीयर। आई ऑल्सो प्रेफर यू टू प्रैक्टिस दिस शेप बाय इमेजिनिंग इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कर्व लाइंस। कर्व लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर द बिगिनर्स। सो टू ड्रॉ अ कर्व लाइन, मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ काफ़ी फ्री रखो, जितना हो सके उतना फ्री हैंड से एक आप कर्व लाइन ड्रॉ करें। एंड आप कर्व लाइन को ओवरलैप करके ही ड्रॉ करें ताकि आप क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑब्वियसली, सो आपका पेज भी बचेगा काफ़ी। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस इट बाय यूजिंग डॉट मेथड्स, जैसा कि आप देख सक रहे हो। And moving on to the next topic, which is perspective point, and it is the most important topic of this video. So yeah, let's begin. So there are many types of perspective points, and इस video में मैं cover करने वाला हूँ 1 point, 2 point and 3 point perspective. So let's begin with the 1 point perspective. So 1 point perspective जानने के लिए आपको first एक horizon line draw करनी पड़ेगी और फिर एक vanishing point. जब दो पैरेलल लाइंस एक जगह मर्ज होती है तो उसे हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर क्यूब ड्रॉ करने के लिए मैंने 4 पैरेलल लाइंस का यूज़ करके उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करके एक रेक्टेंगुलर क्यूब फॉर्म किया है। अगर आप क्यूब को बिलो हॉराइजन लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको उसका बेस नहीं दिखेगा, एंड अबव हॉराइजन लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको उसका टॉप नहीं दिखेगा। एंड अगर आपको क्यूब अबव द हॉराइजन लाइन देखना है तो आप सिंपली जो क्यूब आपने बिलो द हॉराइजन लाइन ड्रॉ किया है उसको पेज उल्टा कर दीजिए, एंड यू विल हैव अ रेक्टेंगुलर अबव द हॉराइजन लाइन। सो प्रैक्टिस 1 point पर्सपेक्टिव एंड we'll move on to the next topic, which is 2 point perspective. So just like we did in 1 point perspective, इसमें भी horizon line रहेगी of course, and इसमें 2 vanishing points रहेगी इस बार। एक left vanishing point रहेगा और एक right vanishing point रहेगा। daily life में 2 point perspective देखने के लिए आप घर को देख सकते हो या फिर building को देख सकते हो। आप उन्हें observe कीजिए कि वहाँ से नहीं कि दो पैरेलल लाइन्स मीट होती रहेंगी, एक लेफ्ट वैनिशिंग पॉइंट से और एक राइट वैनिशिंग पॉइंट से। सो जस्ट लाइक इन 1 point पर्सपेक्टिव, आप इसमें भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके उनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करके एक क्यूब फॉर्म कर सकते हो। जैसा कि ये क्यूब बिलो हॉराइजन लाइन है, ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, मानो कि आप उसे ऊपर से देख रहे हो एंड उसका सिर्फ आपको टॉप दिख रहा है। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस दिस फ्रॉम द अबव हॉराइजन लाइन। सो क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर द बिगिनर टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। एंड या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, विच इज 3 point पर्सपेक्टिव। सो इन 3 point पर्सपेक्टिव इसमें भी 3 वैनिशिंग पॉइंट्स रहेंगे और एक होराइजन लाइन रहेगी। सो इसमें भी आपको सेम ही प्रोसेस दोहरानी है जस्ट लाइक वी डिड इन 2 point पर्सपेक्टिव। टू ड्रॉ क्यूब हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को मर्ज किया था, एंड इसमें आपको बस वर्टिकल लाइंस को थर्ड वैनिशिंग पॉइंट्स की तरफ मीट करानी है। सो टू फॉर्म अ क्यूब आपको बस उतना ही करना है।
ऑल्सो इट क्रिएट्स अ डीप इल्यूजन एंड लाइक दैट प्रैक्टिस ऑल दिस वैनिशिंग पॉइंट्स, ये क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक एज अ बिगिनर के लिए. एंड कैसे इल्यूजन कैसा क्रिएट किए, ये एक आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता है. सो या दिस वॉज इट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट शेडोज एंड लाइट्स. एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट एंड कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव क्वारीज रिगार्डिंग दिस वीडियो. एंड इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड इट तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हम एम कर रहे हैं कि ये मंथ में 100 क्रॉस होने चाहिए पूरे सब्सक्राइबर्स. एंड वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर दिस वीडियो टू गेट 25 लाइक्स. एंड या अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि मेरा दोस्त और मैंने गेमिंग चैनल बनाया है एक नया. एंड या द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो शो इट सम लव. एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.